बोलना। खैर उसके बाद यहाँ पे हुआ होता है ड्रॉप, है ना, लाल जोन भी इधर बना है, लेकिन यार डेट तो बहुत ज्यादा पार हो चुकी है मेरी, तो उसके बाद भी मैं यहीं आता हूँ। तो भाई लोग कैसे हो? तो यार वेलकम दी बैक, बैक दी वेलकम, और स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू गलत सीन से भरे हुए पबजी दो मोबाइल गेम प्ले वीडियो में। अब देखो इसमें तुम्हारे भाई के डिरोप को चुराने की कोशिश की जाती है, ठीक है, मतलब अगर सच बोलूँ तो यार उल्टा होता है, मतलब किसी और का डिरोप होता है वो और मैं चुराने जाता हूँ। खैर जो भी होगा होगा, गलत सीन ही होगा। फिलहाल के लिए अपन लोग नोवो आ रखे हैं, और ये देखो इस मशीन का क्या काम है यहाँ पे, ठीक है। कई बार मुझे लगता है भाई मैं गोलियां चला देता हूँ यहाँ पे, मैं बोलता हूँ भाई बंदा हरे कपड़े में, बाद में पता चलता है यार ये सस्ती मशीन है इनकी, पता नहीं ये कभी चलेगी कि नहीं, क्या सीन है इनके। अब यहाँ बंदे निहत्ते हैं और तुम्हारे भाई पे है M4, है ना, तो यार निहत्ते बंदों की पेटी बनाना तो बनता ही है बिल्कुल। तो यहाँ पे जो सबसे पहला बंदा मैंने नॉक किया था यार वो निहत्ता था, तो मुझे लगा यार ये निहत्ता है तो इसके बाकी टीममेट भी निहत्ते और नंगे होंगे, है ना। लेकिन भाई इनके टीममेट आते हैं धैड़ पैड, कोई M16 ला रहा है, कोई सकारेल, पता नहीं कौन कौन सी गन लाए थे। खैर इनका एक आखिरी बंदा बाकी है जो नीचे की साइड है, तो इसे भी पेलते हैं बिल्कुल। वो, ठीक है, मतलब गोली पड़ी भैया, क्या बोलते बंदे, अरे भैया गोली पेल दी इसकी, ऐसी तैसी भाई गोली लग रही है बचाओ। लेकिन हमारे भाई रैप गाना चालू कर देते हैं, है ना, वो कद्दू लसन पता नहीं क्या क्या बोल दिया भाई ने आधे सेकंड में। खैर यहाँ पे दूसरी सुकौड़ आ रही है और मैं अपनी M4 निकालता हूँ। अब वो बंदा पूरी फीलिंग लेके खेल रहा था गेम को, है ना, कूदा फांदी भाई ने दबा के कर रखी थी। मैं तो लो हूँ बहुत, तो यहाँ पे गोलियों की कमी है, लेकिन तुम्हारा भाई फ्री फायर में कमी नहीं छोड़ेगा, है ना। मुझे लगा यार बंदा भगते हुए आएगा इसे बचाने, लेकिन भाई पीछे से मुड़ के कहीं और ही निकल देते हैं, तो मैं इसकी पेटी नहीं बनाता, मैं दूसरे बंदे की पेटी बनाने जाता हूँ। और इस मैच में मुझे नहीं पता क्यों हर बंदे को कूदना होता है, ठीक है, बाकी मैचों में क्या होता है यार बंदे ठीपी पी लेते हैं, बंदे नीचे उतर जाते हैं, वो जो फट्टे होते हैं भैया ये कंटेनरों के बगल में वहां पे खड़े रहते हैं, लेकिन यार इस मैच में बंदे फुल चौड़ में खेल रहे हैं, ठीक है, कोई कंटेनरों के ऊपर कूद रहा है, कोई जमीन में कूद रहा है, यार गलत ही सीन हो रखे हैं। खैर यहाँ पे दो बंदों की और पेटी बनाई, लेकिन अभी भी और बंदे बाकी है। तो इस स्क्वाड का मेरे ख्याल से ये तीसरा बंदा था, और ये भी, ठीक है, मैं सही बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्यों लेकिन इस मैच में हो रहा है ये सब, ठीक है, हर कोई कूदते हुए आ रहा है। इस स्क्वाड के तीन बंदे पहले मैंने, और तीनों के तीनों भैया उछल कूद कर रहे कंटेनरों में, मतलब यार मुझे लगा था मैं ही ढीठ हूँ, यार पता चला मैं गलत हूँ, क्योंकि इतना ढीठ यार इस लेवल पे नहीं पहुंचा हूं मैं इन तीनों के। खैर ये तीनों बंदे नोक हो जाते हैं यार, अब तीनों की पेटी भी बनेगी, और इनका चौथा बंदा किधर होता है मेरे ख्याल से इन्हें खुद नहीं पता ये बात। खैर जो भी हो, नोवो इधर पे खाली हो जाता है, या चौथा बंदा कैंपिंग कर रहा होगा कहीं, यार हमें पंगे नहीं लेने भाई, को जाने दो कंकुरर, तो वहां से अपन लोग निकल लेते हैं, और यार बाकी जगह जाएंगे थर्ड पार्टी और गलत सीन करने। लेकिन उससे पहले फटाफट आपको पता है क्या होने वाला है, बात कर लेते हैं हमारे स्पॉन्सर की। तो यार इस ऐप या फिर वेबसाइट का नाम है 1xBet, जो कि एक बहुत बड़ी और ट्रस्टेड बेटिंग वेबसाइट है, और इसकी कोलैबोरेशन भैया बड़े बड़े स्पोर्ट्स टीम के साथ है, फुटबॉल टीम के साथ है, जैसे चेल्सी और बार्सिलोना। तो हाँ आप इस ऐप को यूज़ करके बैट लगा सकते हो कई सारे स्पोर्ट्स पे, और अपनी प्रिडिक्शन स्किल्स के थ्रू पैसे अर्न कर सकते हो, साथ ही साथ इसमें आपको कई सारे मिनी गेम्स देखने को मिल जाते हैं। तो हाँ यार अगर आप पबजी से बोर हो गए हो और कोई और गेम खेलना चाहते हो, तो वहाँ पर गेम खेल के आप पैसे भी अर्न कर सकते हो, और आपको इसमें 7,000 रुपए तक का बोनस मिलेगा अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो, जो कि कमेंट सेक्शन में दिया गया होगा। आपके फर्स्ट डिपॉजिट में आपको 7,000 रुपए तक का बोनस मिलेगा। तो हाँ यार अगर आपको इस चीज का शौक है, तो इस ऐप को ट्राई करना मत भूलना, इसकी लिंक कमेंट सेक्शन में होगी बिल्कुल टॉप में। और उसी के साथ मैं आ गया हूं फले ड्रॉप पे रस करने। अबे क्लोज कर, थर्ड पार्टी करते हैं।
तो यहाँ पे जब मैं गाड़ी ला रहा होता हूँ मुझे डांट पड़ती है, है ना। बोला जाता है अरे भैया थोड़ा क्लोज लो, क्या कर रहे हो यहाँ पे, थर्ड पार्टी करेंगे, है ना। मतलब हमारे भाई को लगता है मैं गाजर छिलने आया हूँ यहाँ पे हलवा बनाने के लिए। नहीं यार, थर्ड पार्टी करेंगे। अब देखो अगर मैं इससे ज़्यादा पास लेता ना तो गोली चल रही थी धैड़ पैड़। और ऐसा नहीं है कि बस यही तीन चार बंदे थे, नहीं यार बाकी बंदे भी होंगे आगे घरों पर बैठे होंगे, क्योंकि यार फ्लैट चलिए तो आपको पता है बंदे कैसे आते हैं, जैसे शादी में फ्री का खाना बट रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूं, इनको तो पेल दिया, तीन के तीन बंदे ठिल गए, गलत ही थर्ड पार्टी की इनको। और हां यही होता है यार, जब आप ओपन में चौड़ में लड़ते हो ठीक है आपकी चौड़ बढ़िया लगती है, लेकिन कोई थर्ड पार्टी करने आ जाए ना यार तो पेटी भी चौड़ में बनती है। अब देखो ये मैच शुरू करने से पहले ना मैं मुंह धो के आया था, मेरे ख्याल से तभी ये नेट फटा, नहीं तो यार होता नहीं ऐसा सब कुछ। और सोचो अगर यहां पे मैं गाड़ी ठोक देता, है ना। मतलब बाहर पे तीन बंदे थे और इस घर पे भी मेरे ख्याल से टोटल तीन बंदे बैठे पड़े थे, सीधा पेटी बनती। और बोटो को भी चैन नहीं है, मतलब देखो हम नोवो में थे बोट नहीं मिले, है ना। इधर उधर गाड़ी घंटों चलाई मैंने यहाँ पे पहुंचने के लिए, कोई बोट नहीं मिला। लेकिन उसके बाद भैया जैसे ही 8-14 बंदे एक साथ भिड़ते हैं भाई बोट आना चालू बिल्कुल, ठीक है इनका भी अलग ही सीन है। खैर बोट वोट को पेल देता हूँ मैं बे मतलब की पीक पाक करके। और यार ड्रॉप में तुम्हारे भाई को AW मिल चुकी है, तो हाँ यार गलती से हेडशॉट देखने को जरूर मिलेगा। और हाँ भाई लोग मुझे रिहो टीवी पे फॉलो करना मत भूलना, वहां पे अभी पोको का गिव अवे चल रहा है और यार साथ में भी खेलते हैं, साथ ही साथ बाकी गेम भी खेल के देखेंगे, देखते बाकी गेम में क्या गलत सीन होंगे, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी यार, फॉलो करना मत भूलना। खैर उसके बाद यहाँ पे हुआ होता है ड्रॉप, है ना। लाल जोन भी इधर बना है लेकिन यार डेट तो बहुत ज्यादा पार हो चुकी है मेरी, तो उसके बाद भी मैं यहीं आता हूँ। खैर लाल जोन हट जाता है लेकिन यार लाल गाड़ी में बंदे भर के आते हैं और वो भी खतरनाक होते हैं बिल्कुल। और यहाँ पे पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि बस दो ही बंदे हैं और ये बहुत बड़ी गलती होती है। पेड़ के पे भाग रहे हैं आगे। और जो मुझे लग रहा था कि बस दो ही बंदे हैं वो चार में कब बदल जाते हैं मुझे नहीं पता। और ये देखो सस्ते ना से अपने पे ही मौली कर दी। और यहाँ पे मैं फिर ये सोचता हूँ कि जो वो बंदा है ना पत्थर के पीछे वो आखिरी बंदा है, और फिर से मैं बहुत गलत होता हूँ। और यहाँ पे मैं ये सोच रहा होता हूँ कि यार सोचना ही छोड़ दूँ, है ना। पहले मैंने सोचा कि भाई दो ही बंदे हैं ये चार पे बदल गए, फिर मैंने सोचा कि यार आखिरी बंदा बाकी है, पता चलता है नहीं गलत हो तुम, फिर से एक और बंदा बाकी है जो कि यहाँ ऊपर पे लेट के बैठा होता है बिल्कुल ही। मतलब यार ज्यादा दिमाग लगाना भी कभी कभार आपकी पेटी बनवा सकता है, है ना। और एक चीज मैंने बहुत बार गलत की है जिससे मेरी पेटी बनी है, वो ये है कि ये सोच के जाना कि बस एक ही एक या दो बंदे होंगे वहां पे, और जब जाता हूँ भैया दो दो स्क्वाड मिल जाती है, है ना। तो देखो यार जब भी आप कहीं पर रस रूस कर रहे हो, आप चाहते हो चिकन हो, तो हमेशा ये सोच के रस करो कि भैया 14 बंदे हैं वहां पे, ठीक है मतलब ये ज्यादा हो गया, लेकिन सोचो यार कितना सेफ खेलोगे आप, मतलब दिमाग से रस करोगे, ऐसा नहीं कि भैया मेरी तरह डेटता भाई गाड़ी चढ़ा रहे हो चार बंदों के सामने, क्योंकि यार वहां पे पेटी बनती है। खैर यहाँ पे ग्रोजा होती है मेरे पे, तो इनको जैसे तैसे पेल दिया और उसके बाद हम निकल ही रहे होते हैं यहां से कि एक और गाड़ी आती है पीछे की साइड। और मुझे नहीं पता क्यों लेकिन इस जगह पे ना ये जो फट्टे फुट्टे टूटे फूटे पत्थर है ना यार, यहाँ पे यार फीलिंग गलत टाइप की आ रही है।
तो मैंने AWM भी पेली, मैंने ग्रोजा भी पेली, लेकिन नॉक कौन करता है? हमारे भाई एक M16 की गोली चला के। अरे इसके पीछे ये देख। और यहाँ पे मैं डैमेज देने के अलावा कद्दू कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। AWM से डैमेज दे रहा हूँ, फिर से ग्रोजा से डैमेज दे रहा हूँ, बंदे भग रहे फिर डैमेज दे रहा हूँ, लेकिन यार मजा ले कोई नोक हो जाए। तो करना क्या था यार, आगे समोक बना होता है तो मैं सोचता हूँ यार क्यों ना थोड़ा और डैमेज दे दिया जाए। और यार एक टाइम था यहाँ पे कि मैं कम से कम डैमेज दे रहा था, हाँ मतलब भैया स्मोक कर दिया अब तो डैमेज भी ना दिया जा रहा है। खैर जो भी हो, यहाँ पे मैं देखता हूँ कि ये लोग अपने पे आएंगे, लेकिन नहीं यार ये लोग पीछे की तरफ भागते हैं। खैर उसके बाद मैं देखता हूँ अपनी किल की तरफ, मैं देखता हूँ भैया 21 किल हलवा नहीं चल रहा यहाँ पे। अब देखो अब यहाँ पे मैं गाड़ी भगाऊंगा, वो लोग पेटी बना देंगे, मैं भग के जाऊंगा। यार कितने बंदे सांप बन चुके होंगे यार, हमें कद्दू भी नहीं पता। तो मैं गाड़ी लेता हूँ और इस बिल्डिंग पे आ जाता हूँ। और यहाँ पे सीन क्या हो रखा होता है, नीचे वो जो बंदों को डैमेज दिया था वो अलग टीम होती है, और आगे ये जो महंगी पहाड़ी है ना यहाँ पे अलग टीम बैठी होती है। तो यहाँ पे मैं खुशी के मारे चिल्ला उठता हूँ, है ना, मैं बोलता हूँ अरे तुम्हारे भाई ने हेडशॉट चिपका दिया। फिर मैं देखता हूँ वहां पे कि यार मैंने कद्दू कुछ नहीं उखाड़ा है, मतलब मेरी गोली उसको लगती उससे पहले ही बनता नॉक। तो हाँ यार इसके बाद दिल पे दर्द होता है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। देखो ऊपर से तुम्हारे भाई की सस्ती स्नाइपिंग, उसके ऊपर से मेरे पे सिर्फ 6x पड़ रखा है, लेकिन कोई नहीं यार, देखो हार नहीं मानेंगे, पहले की कोशिश जरूर करेंगे। खैर मुझे इस बात का डर होता है कि कोई पीछे से पेटी ना बना दे, मतलब जब भी इस जगह को मैं देखता हूँ ना यार मेरे दिमाग में एक ही चीज घूमती है, सांप का चक्कर, ठीक है। मतलब ये जगह बनी ही सांप बनने के लिए, झाड़ी झंकड़ देख लो, पेड़ पूड़ देख लो, भैया कमी नहीं है कहीं पे भी लेटने की। और आखिरकार एक हेडशॉट लग ही जाता है गलती से, तो मैं बोलता हूँ यार इससे पहले पीछे से कोई मेरे हेडशॉट पेल दे, धड़ पड़ इन पे रस करते हैं। तो देखो वो लोग काफी बढ़िया जगह में है, हाई ग्राउंड में, लेकिन ढीठ होने के कारण हम फिर भी रस करेंगे। लेकिन यहाँ पे डीट था और पीक एंड फायर जबरदस्ती की काम आ गई और सारे बंदे ठिल गए, है ना। मतलब मेरे ख्याल से इन लोगों ने वो जो नीचे बंदे बैठे थे उन सबको पेल दिया, यार किल कम हो गई मेरी, लेकिन कोई नहीं यार आखिरकार हम जिंदा हैं और किल भी मिल गई है थोड़ी थोड़ी। तो भाई लोग यार अगर आपने इस गलती से हेडशॉट वो भी 6x के साथ, मतलब सोचो जिस बंदे की स्नाइपिंग 8x में सस्ती है वो 6x से पेल जाए, यार कितना बड़ा तुक्का होता है वो। तो यार उस तुक्के के लिए लाइक जरूर पेल देना, और ये पीक पाक करके इन जो बंदों को पेला है उसके लिए नीला करना भूलना मत, लाइक के बटन को पेल के रख दो कतई, है ना। खैर यहाँ पे मैं पहाड़ी पे आता हूँ, ये सोच के कि भैया पहाड़ पे बंदे बैठे होंगे, एक्सीडेंट होगा और गाड़ी पलट जाती है यहाँ पे। और देखो यार अगर गाड़ी पलटती है ना तो कूद जाया करो, क्योंकि गाड़ी फटते और पेटी बनते टाइम नहीं लगता आजकल। देख रहा हूँ, अबे इधर आ जाओ। अब वहां नीचे पे अंधा गोलियां चल रही है, मतलब इन बंदों ने 30 मिनट में जो भी लूटा वो वहां पे फूक रहे हैं, हाँ। लेकिन हमारे भाई बोलते हैं भाई ऊपर आ जाओ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक गाड़ी पड़ी होती है। अब वो गाड़ी छोड़ के बंदा किधर गया किसी को भी नहीं पता। तो मैं थोड़ी देर ऊपर जाता हूँ, कोई नहीं होता ऊपर, और उतने में ही नीचे गोलियां और पेटियां बनना चालू हो जाती है। तो करना क्या था यार, हम धेड़ पेड़ भगते हैं अपनी गाड़ी की तरफ, गाड़ी उठाते हैं और पूरी जान लगा के, मतलब भैया अंगूठा, मैंने बोला भैया पेल दो स्क्रीन पे, गाड़ी भगनी चाहिए पूरी तेजी में, तो पूरी जान लगा के आगे की तरफ ठोक देंगे सीधा, है ना। मैं सोच रहा था कि यार तमीज से खेलूं, फिर मैंने बोला यार ये तो पेटी बना देंगे, ऐसे हम तमीज से खेलेंगे तो आपस में ठिल जाएंगे। तो हाँ बेशर्मी से आके यहां पे गाड़ी ठोकते हैं और मैं बंदे ढूंढना चालू कर रहा हूं, क्योंकि कुछ लोग सांप बन चुके हैं यहीं पे। इनको मारते आ जाओ, इनको मारते आ जाओ। तो जब मैं ये सुनता हूँ ना यार कि इनको मारते हैं आ जाओ, मैं होता हूँ फुल जोश में। फिर ये बंदा बगल से आता है, कूद काद के M4 पेलता है और जोश ठंडा टैप हो जाता है, मतलब यार इतने जोश में खेलूंगा तो पेटी ही बनेगी। खैर आगे भी होंगे गलत सीन, और तो
तो भाई काफी बढ़िया खेल लेते, लेकिन यार वो टीपी भी लेते रह गए। और उतने में ही क्या होता है, यहाँ पे स्मोक वगैरह बन चुका है और आगे बंदा बैठा है और यार वो नेट करने की कोशिश कर रहा होता है। तो अंधा रस करते हैं हम। अबे कूद रहे हैं ये, कूद ले, रुक जा, पीछे ले, कूद रहे हैं। अब यहाँ पे पीछे वाले बंदे कूदा फांदी कर रहे होते हैं, मतलब यार सारे कूदने वाले बंदे ना इसी मैच में आ रखे होते हैं। तो देखो अभी हमें 100% नहीं पता होता कि उनका सीन क्या चल रहा है, क्या भाई लोग हमें मिलने आ रखे हैं या मेरे साथ स्कैम होने वाला है। खैर यहाँ पे स्कैम तो होगा नहीं, मतलब यार एक बार जब हो गया था ना, आपने वीडियो देखी होगी, वो नहीं देखी तो यार एंड में मैं डाल दूंगा उसका, अगर मुझे आलस नहीं आई तो। हाँ उस वीडियो में क्या ही स्कैम हुआ था, तो यार उसके बाद से यार दिल सहम सा गया है मीटअप करने में। और मुझे लग ही रहा था कि यार कुछ तो कमी है इस गेम प्ले में, है ना, मतलब AWM उठा लिए, ग्रोजा से बंदे पेल दिए, क्लोज में घुस गए, पीक पाक कर दिया, हेडशॉट पेल दिए, लेकिन सांप का चक्कर मुझसे टक्कर नहीं हुआ। तो ये बंदा यहाँ पे लेटा पड़ा होता है भाई, बढ़िया स्प्रे देता है DP से, लेकिन भाई ये गलती कर देते हैं, वो ये है कि वो अभी भी लेट रखा है। और आखिरकार सांप का चक्कर मौत से टक्कर खत्म हो जाता है। खैर अब मेरी सस्ती गणित के हिसाब से बस दो ही बंदे बाकी हैं जो कि आगे कूदा फांदी कर रहे हैं। अब मैं इन भाई को नो करना नहीं चाह रहा था, मतलब यार मुझे लगा यार मेरी सस्ती स्नाइपिंग कद्दू लगेगा शॉट, लेकिन भाई एक बॉडी शॉट में ही नोक हो जाते हैं। तो मैं बोलता हूँ ठीक है यार, अपन लोग भी गन हटाते हैं, जाके बात करते हैं कि चल क्या रहा है सीन। और मेरे ख्याल से बंदे को रिवाइव वगैरह मिल गया होगा, तो सही है यार सब जिंदा है अभी। अबे गलती से, गलती से कट दिया भाई। उठा ले, उठा ले, अपने बंदे को उठा ले। वो था हम स्नाइपर है, हम वाला फायर बटन है ना, पीक कर रहा था गलती से, वो दबा दिया। एनिमीज अहेड। हाँ ना, पहले एनिमीज अहेड कर रहा था, अब मेरे ख्याल से ये दोनों बंदे ऐसी जगह पे बैठे थे, मतलब अगर इन्होंने माइक खोल के ज्यादा बात की ना कुछ, तो यार गेम का पता नहीं, लेकिन कुटान असली जिंदगी में जरूर हो जानी है। तो वहां पे बंदा बस माइक खोल के हाँ हाँ बोलता है, तो यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई आप लोगों पे भी M24 है, क्योंकि ये लोग M24 चला रहे थे मेरे ख्याल से। तो मैं बोलता हूँ भाई जहाँ पे आप थे आप वहीं रहो, जहाँ पे हम लोग थे हम वहीं जाते हैं और देखते हैं क्या सीन चलते हैं, है ना। तो वापिस फाइट रिस्टार्ट हो गई है, भाई लोगों ने माइक खोल के कुछ ज्यादा बोला नहीं, तो मैंने बोला ठीक है यार लड़ाई कर लेते हैं अभी। तो वो लोग वहां पे हैं, हम लोग लगभग जोन में नहीं है, मतलब आधा आधा यार, हम लोग भी नहीं होते इस घर के पास जोन में, वो लोग भी नहीं होते। तो करना क्या होता है यार, मैं स्मोक वगैरह बनाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मेरी पेटी ना बने, मतलब देखो जिस हिसाब से मैं चौड़ में कूदा फांदी कर रहा हूँ ना यार, पेटी बनते टाइम नहीं लगेगा, लेकिन तुम्हारा भाई ढीठ है तो यार मैं कवर में भी नहीं जाऊँगा। तो हमारे भाई एक बहुत ही प्यारा M24 का शॉट देते हैं, सीधा वेस्ट की मेरी ऐसी तैसी हो जाती है, आधा वेस्ट डैमेज हो जाता है, लेकिन भाई का वेस्ट मेरे ख्याल से बिल्कुल ही खत्म था। तो हमारे भाई सीधा नॉक हो चुके हैं और हम लोग आगे रस कर रहे हैं। और इसी के साथ अपनी स्क्रीन पे चिकन चुकन लिखा जाता है, मतलब देखो इन दोनों भाई पे जोर नहीं था और भाई ने शॉट बढ़िया पहला था, लेकिन दिक्कत ये हो गई भाई की वेस्ट की भी ऐसी तैसी हो रखी, तो बंदा सीधा नॉक हो गया। और यार हम थे ढीठ तो ओपन से ही रस कर गए और दोनों की पेटी बना दी। तो बस भाई लोग यार आज के वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, जाते जाते वीडियो पे लाइक पहला मत भूलना, है ना, मतलब ये नीला आसमान नीले जून की तरह नीला टैप कर दो लाइक के बटन को बिल्कुल ही। और अगर आप यहाँ पे नए हो तो करो सब्सक्राइब और भी ऐसे गलत सीन और सस्ती कमेंट्री के लिए। तो आज के वीडियो में इतने, भाई लोग यार जाते जाते वनएक्स बैट चेकआउट करना मत भूलना, उसकी लिंक कमेंट सेक्शन में होगी बिल्कुल टॉप में। और हाँ आओ यार मेरे साथ खेलो, रिहो TV पे डेली स्ट्रीम करते हैं और जल्द ही बाकी गेम भी खेलेंगे, तो हाँ यार आओ मजे करेंगे बिल्कुल, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। और पोको का गिव अवे भी चल रहा है वहाँ पे, तो जल्दी आ जाओ इससे पहले खत्म टैप हो जाए। तो आज के वीडियो में इतना ही, भाई लोग यार बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, कल मिलते हैं, बाय बाय।